सबसे पहले तो सभी दोस्तों को नमस्कार। कैसे हैं आप सब? और ये उम्मीद करता हूँ कि सब ठीक होंगे। और मैं सोमराज शर्मा अपने YouTube चैनल पर एक और नई ताज़ा वीडियो लेकर उपस्थित हूँ। आज की इस वीडियो में बहुत सारी बातें आपको कहूँगा और बहुत सारी जानकारियाँ भी दूँगा। तो इसलिए सभी जितने भी मेरे सब्सक्राइबर हैं, कम हैं, थोड़े हैं, ज़्यादा हैं, छोटे हैं, बड़े हैं, सबसे मेरा यही निवेदन है कि वीडियो पूरा देखो और फिर पूरी जानकारियाँ आपको मिलेंगी। एक तो साथियों, बड़े दिनों के बाद मैं ऐसी लाइव वीडियो लेकर आया हूँ सीधा माता रानी के दरबार से। तो सबसे पहले जो लोग देखेंगे उनको मैं यही कहूँगा कि भाई अगर आप आ रहे हो तो वेल एंड गुड, नहीं भी आ रहे हो तब भी आप कमेंट सेक्शन में जय माता दी ज़रूर लिखिए। तो इसके साथ साथ एक दो चीज़ें और बतानी थी कि मेरे यूट्यूब चैनल पर 7,000 जो है सब्सक्राइबर हैं वो हो चुके हैं, लेकिन दूसरे चैनल पर हुए हैं, इस चैनल पर नहीं हुए हैं। तो मैं चाहता हूँ कि इस चैनल पर भी आप कर दो। और जिनको नहीं पता है कि मेरा दूसरा चैनल कौन सा है, तो मैं उन लोगों को बताना चाहता हूं कि मेरा एक दूसरा YouTube चैनल है जो कि सिर्फ़ और सिर्फ यात्राओं पर ही मैं जानकारियां देता हूं और जिसका नाम है डेली यात्रा ब्लॉग्स। तो अगर आप लोगों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे मेरी यही निवेदन है कि उसे भी आप सब्सक्राइब कर दो और साथ साथ में इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर दो। तो चलो शुरुआत करते हैं वीडियो की। मेरे पीछे आप व्यू देख रहे होंगे, आज का एक बहुत ही प्यारा सा नज़ारा है यार, कि आज धूप भी इतनी अच्छी और मस्त लगी हुई है ना। तो मेरे ठीक पीछे आप देख सकते हैं त्रिकुटा की शिवालिक पहाड़ियों के साथ साथ सामने अर्धकुंवारी का नज़ारा और फिर चरुण पाद का और ये नया रास्ता ताराकोट मार्ग। तो पूरा व्यू आप लोग देख सकते हैं। और मेरा साथियों वीडियो बनाने का मकसद यही है यार कि कम से कम ना जितने मेरे सब्सक्राइबर हैं उनको छोटी मोटी जानकारियाँ घर बैठे ही मिले, मौसम से जुड़ी जानकारियाँ, यात्रा से जुड़ी जानकारियाँ। और काफ़ी मेरे फ्रेंड्स जो ना, मेरा जितना फ्रेंड सर्कल है या फिर मेरे यूट्यूब सब्सक्राइबर हैं, वो लोग भी काफ़ी जो है इंक्वायरीज़ करते हैं इन चीज़ों की। तो मैं सोचता हूँ कि वीडियो बनाकर ही आप लोगों को जानकारियाँ देता जाऊँ। और पिछले लगभग 2 सालों से लगातार ऐसा ही कर पा रहा हूँ मैं। और सबसे बड़ी बात कि आप लोग भी सपोर्ट करते हैं तभी पॉसिबल होता है, कि विदाउट सपोर्ट कोई भी इंसान जो है आगे नहीं बढ़ पाता है। तो पब्लिक की सपोर्ट तो हर एक क्रिएटर को चाहिए ही होती है। इसलिए आप लोगों ने जितने भी मेरे साथ आज भी मेरी वीडियो देखते हैं या फिर लोगों को रिकमेंडेशन देते हैं मेरे काम को लेकर, तो ये बड़ी इम्पोर्टेंट चीज़ मेरे लिए रोल प्ले करती है। और आप सबको मैं यही कहता हूँ कि अगर आप आए तो वेल एंड गुड, नहीं तो भाई रिकमेंडेशन देना तो बस आपका ही काम है। तो जितना ज़्यादा हो सके तो उसे आप ज़्यादा से ज़्यादा मेरे काम को लेकर, आप सबको नॉलेज है तो आप सब आगे से आगे फॉरवर्ड कर सकते हैं। बाकी मेरा जो मोबाइल नंबर है डायरेक्टली आप मुझसे भी संपर्क कर सकते हैं, डिस्प्ले पर नंबर चल रहा है, इस नंबर पर आप कॉल को कोशिश कीजिए अवॉइड कीजिए, लेकिन व्हाट्सअप टेक्स्ट कीजिए, व्हाट्सअप मैसेज कीजिए, तो मैं कोशिश करूँगा कि आपके सारे जो रिप्लाई हैं वो वन बाई वन करके मैं देने का पूरा प्रयास करूँगा साथियों। बाकी साथियों माता वैष्णो देवी की यात्रा के अगर मैं बात करूं तो मौसम आज का बहुत ही खूबसूरत है, सुहाना है। मेरे ठीक पीछे आप लोग देख रहे हैं खुली धूप जो है छाई हुई है त्रिकुटा की शिवालिक पहाड़ियों पर, और इसी पर्वत से होकर हम सब माता वैष्णो देवी की यात्रा करते हैं। और इसके साथ साथ सुख सुविधाओं की बात करें तो घोड़ा पिट्ठू पालकी बैटरी कार रोपवे सब सुविधाएं जो है हेलीकॉप्टर चॉपर सेवा चल रही है आज माता रानी के भक्तों के लिए। और इसके साथ साथ साथियों और भी बात करूं तो आने वाले दिनों में जो है यात्रा का जो आंकड़ा है बढ़ोतरी की तरफ उम्मीद है कि ज़्यादा हो, लेकिन वर्तमान में जो है संख्या जो है बहुत कम है। और ये सुविधाएं जो है बड़ी आसानी के साथ मिल रही हैं, यात्रा भी बड़ी आसानी के साथ हो रही है। तो अगर आप भी प्रोग्राम बना रहे हैं, प्लान बना रहे हैं, तो जल्दी से जल्दी आओ, क्योंकि पत्नीटॉप नत्थाटॉप खुद में और भद्रवाह में बर्फबारी पड़ी हुई है। माता वैष्णो देवी यात्रा करने के बाद बर्फबारी के नज़ारे भी देख के जाओ। तो अगर ज़्यादा बर्फ़ देखनी है तो फिर कश्मीर का टूर बनाना पड़ेगा आपको। उसके लिए आप लोग मेरा यही नंबर है, इस पर भी आप संपर्क कर सकते हैं। और मैं कोशिश करूँगा कि सही जानकारियों के साथ साथ सही अनुपात में और सबका जो है सही काम किया जाए समय के साथ। तो चलिए इन्हीं कुछ बातों के साथ, जानकारियों के साथ अपने दोस्त सोमराज शर्मा को आज के लिए दीजिए अनुमति। लेकिन आप सबसे आग्रह के यार वीडियो को लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब करो। यही मेरी आप सबसे बड़ी उम्मीद है कि आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा इस साल जो है बड़ा प्यार दोगे और सब्सक्राइबर जो है ज़्यादा से ज़्यादा इस चैनल पर मैं प्राप्त कर पाऊँ। तो चलो जय माता दी, जय माँ वैष्णो देवी।